गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज है हमारे स्कॉटलैंड ट्रिप का day 3। अभी वॉक कर रहे हैं, तो हम लोग आज लेने वाले एक 1 day टूर जो कि हमने लिया है डिस्कवर स्कॉटलैंड टूर से, जो कि पड़ा है 67 pounds पर हेड। और ये हमें लेकर के जाने वाला है स्कॉटलैंड के और भी नॉर्थ में, जो कि है बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली इंक्लूडेड है। तो नेचर लवर्स और हैरी पॉटर लवर्स व्लॉग को एंड तक देखें, और अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। ये है द पवेलियन थिएटर, बहुत ही पुराना और बहुत ही फेमस। कल हमने ये भी देखा था हॉप ऑन हॉप ऑफ से ही, आज वॉक करते करते देख रहे हैं। ये देखिए किटकैट ने निकाला है नया वीगन एडिशन, बट फिर यहाँ पे ये क्यों लिखा है मे कंटेन मिल्क। और ये हमारा डिस्कवर स्कॉटलैंड टूर्स का ट्रैवलर, साथ में और एक है। अभी है हम लोग अपने फर्स्ट स्टॉप पे, जो कि है लॉक लॉमंड, और बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही बड़ा है ये। तो लॉक लॉमंड मतलब बेसिकली इट्स अ लेक, जो कि सरफेस एरिया में सबसे बड़ा है पूरे स्कॉटलैंड में, अराउंड 22.7 miles। और इसमें है 27 आइलैंड्स हैं यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग को लॉक लॉमंड में क्रूज़ भी मिलता है, तो हम यहाँ से क्रूज़ टूर भी कर सकते हैं। बट हमारा यहाँ पे स्टॉप है सिर्फ 15 मिनट्स का, और उसके बाद हमें और भी काफ़ी स्टॉप्स कवर करने हैं। तो लेट्स गो, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ लेते हैं। तो ये है क्लेचेक गली इन ग्लेन को, जहाँ पे हैरी पॉटर द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान में हैग्रिड का हट बनाया गया था। तो ये है वही लोकेशन जहाँ पे द फेमस जेम्स बॉन्ड स्काईफॉल का शूट हुआ था। तो मैंने तो मूवी देखी नहीं है, आप लोगों में से अगर किसी ने देखी है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड द नेक्स्ट स्टॉप इज द थ्री सिस्टर्स इन ग्लेनको, जो कि है वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड द बिलवड नेचुरल लैंडमार्क, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे फोटोज ले सकते हैं। भाई साहब, थ्रू आउट द रास्ता बहुत ही खूबसूरत व्यू है। That would be put on the bridge if the bridge was ever completed. So then तो अभी हम लोग हैं फोर्ट विलियम में। एक्चुअली यहाँ पे फोर्ट था जो कि बना था 1646 में, बट डिमोलिश कर दिया गया था 1746 में। You see the viaduct.
तो कितने लोगों ने ये जगह पहचाना? तो ये है डंबलडोर्स आइलैंड, जहाँ पे डंबलडोर का ग्रेव है। तो ये हम लोग ट्रैक बीच, यहाँ पे पूरा वाइट सैंड। यार अभी मेरे को समझ में आ रहा है कि बॉलीवुड वेस्टर्न कंट्रीज से, स्पेशली यूके से इतना ऑब्सेस्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मैं रुक जाऊँ बहुत ही अमेजिंग व्यू है। तो शूटिंग के लिए तो ऑब्वियसली अच्छा आएगा ही व्यू। अभी यहाँ हम लोग मलैग में, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि आपने द फेमस हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस, हैरी पॉटर ट्रेन, ऑल्सो नोन एज द जैकोबाइट ट्रेन, वो यहाँ से ही निकलती है और फोर्ट विलियम तक जाती है, जो कि हमने पहले देखा। तो ये एग्जैक्टली मेरे सामने है, तो आप देख सकते हैं। ये मलाग स्टेशन, स्कॉट रेल भी खड़ी है। यहाँ से हम लोग टिकट भी बाय कर सकते हैं इस ट्रेन पे चढ़ने को, और ये रूट है। एक्चुअली हमने भी सोचा था कि इस ट्रेन पे ट्रैवल करेंगे, बट टिकट्स बहुत लंबे टाइम तक के लिए बुक्ड है, तो बस बाहर से ही फोटो लेके चलते हैं। और ये है फर्स्ट क्लास कोच, इसका कॉरिडोर। अभी हम लोग ट्रेन के पास फ़ोटो वोटो ले चुके हैं और अटलांटिक ओशन के सामने बैठे हैं। बहुत ही ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है, उसके लिए हैरी पॉटर लवर्स दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि अभी जो दिखने वाला है व्यू, अमेजिंग व्यू होने वाला है। किसी ने कहा है कि इट्स नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन बट द जर्नी, बट हमारे यहाँ पे तो जर्नी तो अमेजिंग था ही, डेस्टिनेशन तो सुपर अमेजिंग है, क्योंकि हमें दी ग्लेनफिनन वैली।
we go. पिक्चर अभी बाकी है और हम हैं यहाँ पे थ्री सिस्टर्स पे। बहुत बुरी तरह से थक चुके हैं, बट अभी यहाँ पे हम लोग रुके हैं। पता नहीं कितना नंबर ऑफ वॉशरूम ब्रेक है हमारा, बट वी आर ऑलमोस्ट डन और वी आर नाउ हेडिंग टुवर्ड्स ग्लासगो। बैक टू द रूम, काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं और ये था हमारा स्कॉटलैंड सीरीज़ का day 3। और अगर आप लोग को ट्रिप से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और एज यूजुअल इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।